संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। क्रमबद्ध पर्याय का समापन का व्याख्यान है ये। जब प्रकरण आरंभ किया था तो छावरा जी के प्रयत्नों से आप सबको एक किताब भेंट की गई थी और उनने अब की शिविर में नई परंपरा शुरू की है कि जो भी क्लास चल रही हो सब क्लास वालों को किताब मिल जाए कि जिससे वो ढंग से पढ़ सकें। तो आपके पास किताब होगी तो पे हो तो फिर पेज नंबर 83 निकाल लें। कितना निवेदन किया है सबको लाना चाहिए लाना चाहिए, बराबर वही विषय चल रहा है लेकिन व्याख्यान तो था ही ना। सर कोई बात नहीं है, माफ कर दीजिए। हाँ देखिए पेज नंबर 83 तक बहुत मार्मिक प्रकरण है। अभी आपने पूरे शिविर का फल आपके सामने प्रस्तुत हुआ, कौन सी कक्षा का क्या फल रहा, तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का भी क्या फल है उसका ये परीक्षा फल है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप बराबर रोजाना कह रहे हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का फल दृष्टि का स्वभाव के सन्मुख होना है, तो जब तक दृष्टि स्वभाव के सन्मुख नहीं आई तब तक समझना क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो। तो अकेला यही लाभ है कि और भी लाभ है? क्रमबद्ध पर्याय की विकल्पात्मक श्रद्धा का फल तो ये निर्विकल्प श्रद्धा है और इसका फल दृष्टि के स्वभाव के सन्मुख होना है, लेकिन ये हमको कदाचित इस भ्रम में नहीं मिले, अभी नहीं मिले नरेंद्र जी, तो और भी कोई लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और हमें नहीं चाहिए दृष्टि का स्वभाव के सन्मुख होना, दृष्टि सृष्टि तुम अपनी देखो क्यों? हमें कोई लौकिक लाभ भी मिलेगा कि नहीं, इस जीवन में शांति मिलेगी कि नहीं नरेंद्र जी, तो है कोई और लाभ? तो ये पेज पे वही बताए हैं। देखो सर्वज्ञता के निर्णय से क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से, चाहे सर्वज्ञता का निर्णय कहो और चाहे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहो, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का निर्णय एक ही साथ होता है, एक ही है। निर्णय से सबसे पहला लाभ होता है जो कि एक एक पॉइंट है, मति व्यवस्थित हो जाती है। दूसरा कर्तृत्व का अहंकार गल जाता है, सहज ज्ञाता दृष्टापने का पुरुषार्थ जागृत होता है, पर में फेरफार करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है, इस कारण तत्संबंधी आकुलता व्याकुलता भी चली जाती है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने के साथ साथ अनंत शांति का अनुभव होता है। सर्वज्ञता के निर्णय और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से कितने लाभ तो तत्काल प्राप्त होते हैं। कितने कितने कौन कौन से हुए? पहले मति व्यवस्थित हो जाती है। मति व्यवस्थित हो जाती है माने क्या? हमारी बुद्धि में निरंतर ये विकल्प चला करते हैं, क्या करूं, ए करूं कहे, ए करूं कहे, ए करूं कहे, चलते कि नहीं चलते हैं? क्यों जब सबर में जाऊं कि नहीं जाऊं, दूं के नहीं दूं, दान में दूं के नहीं दूं, धंधा करूं के नहीं करूं, क्यों? बहुत से विकल्प चलते रहते हैं ना, एक दुविधा मन में खड़ी रहती है, क्या करूं क्या नहीं करूं। एक भजन में यहां तक कहा ना, बुद्ध का जी को बहुत प्रिय था, वो भजन बोला करते थे कि दुविधा कब गई है या मन की, दुविधा कब गई है या मन की, प्रश्न है कि मेरे मन की यह दुविधा कब जाएगी। कौन सी दुविधा? कि आत्मा के आश्रय से धर्म होता है कि पर के आश्रय से, मुझे स्वयं के पुरुषार्थ से सुख और शांति मिलेगी कि भगवान की कृपा से,
तो किसी के आशीर्वाद से ये दुविधा है क्यों? तो दुविधा मेरे मन में से कब जाएगी? दुविधा कब गई है या मन से? तो उत्तर दिया क्या? जब निज नाथ निरंजन निरेखे, क्या जब निज नाथ निरंजन निरेखे, तज सेवा जन जन की दुविधा जब गई है या मन की? दुविधा कब गई है या मन की? कि जब तुम अपने परमेश्वर को निज नाथ निरंजन, अपना जो भगवान आत्मा है ना, देह देवल में विराजमान, देह से भिन्न, इस निज नाथ का जो है कैसा है? निरंजन, पुण्य पाप के भाव से रहित है, देव कर्म और भाव कर्म के अंजन से रहित है। जब तू उसको निरखेगा, उसके दर्शन करेगा, उसका ज्ञान करेगा, उसका ध्यान करेगा, तब ये तेरे मन से दुविधा जाएगी। लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये बात हो सकती है, ये निजनाथ क्या होता है? तो उन्होंने सुधार के कह दिया, जिननाथ कर दिया उसका, क्योंकि निजनाथ तो उसकी समझ में ही नहीं आता है, तो हमने उसका नाम जिननाथ कर दिया। कि जब जिननाथ निरंजन निरख है, तद सेवा जन जन की, जन जन की माने परजनों की, ये जन जन की माने ये सारा जगत है, इसका नाम है जन जन। बोलते ना जनता, जनता को जन बोलते हैं ना, और जन जन डबल हो गया माने कि कहां कि अपने को छोड़ देगा तो जन जन की सेवा में लगेगा, क्योंकि इसका कोई ठिकाना तो है नहीं कहां एक जगह लगे, तो दुविधा खड़ी रहेगी, इसकी करूंगा इसकी शरण में जाऊंगा इसकी, बोलो किसने की जाऊंगा? राम की, महावीर की जाऊंगा, बुद्ध की, क्यों किसकी शरण में जाऊं? आचार्य की में जाऊंगा, उपाध्याय की, क्या सारा जगत तो बहुत है ना, तो दुविधा खड़ी रहेगी किसकी शरण में जाऊं। और निजनाथ को देख लेगा तो वहां एक ही है, तो दुविधा खड़ी नहीं होगी कि किसकी में जाऊं, क्योंकि दो है ही नहीं। दुविधा तो दो में खड़ी होती है ना, क्यों? कैसे तो जरा विचार करना, कैसा मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी, ये दुविधा है। अभी इस दुविधा में पड़े कि मुझे करनी कि नहीं करनी। अमित भाई, यदि ये निर्णय किया कि करनी, तो दुविधा समाप्त हो जाएगी, तो नई दुविधा खड़ी हो जाएगी कि करनी तो किससे करनी, कब करनी, क्यों? और यदि ये निर्णय लिया कि नहीं करनी, तो नहीं करनी तो किससे नहीं करनी और कब नहीं करनी, ये किसने खड़ा होगा? क्यों? नहीं करने का निर्णय लिया तो दुविधा खत्म, और करने का निर्णय लिया तो दुविधा खड़ी है, खड़ी ना, ख्याल है ना। तो ऐसे ही परजन की शरण में जाने का विकल्प टूटा तो दुविधा समाप्त, क्योंकि निज तो एक ही है, और पर की शरण में जाने की बात आई तो दुविधा खड़ी। कंसम राजनीति में आना कि नहीं आना, बोलो साहब सोनलाल जी। यदि नहीं आना तो कौन सी पार्टी में नहीं जाना, बोलो, किसमें खड़ा होता है? नहीं। और जाना तो कांग्रेस में जाना कि भारतीय जनता पार्टी में जाना, क्यों, किसमें खड़ा होगा? जनता मोर्चा में जाना। तो कांग्रेस में जाए तो कौन सी कांग्रेस में जाना, क्यों? तो साहब इंदिरा कांग्रेस में जाना तो कौन से ग्रुप में जाना? वो अंत तक दुविधा खत्म होने वाली है ही नहीं, ख्याल में है ना। जनता मोर्चा में जाना, जनता दल में जाना तो कौन से जनता दल में जाना? लालू वाले में, कालू वाले में, क्यों? तो उसमें खड़ा ही रहेगा, और नहीं आया अपनी शरण में रहना तो दुविधा खत्म। तो वो कहते क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से ये मति व्यवस्थित हो जाती है, माने दुविधा खत्म हो जाती है, समझे ना। कोई दो 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 प्रकार का, तो ऐसा करूं कि नहीं करूं,
मति अव्यवस्थित मति है, जो निर्णय नहीं कर पा रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, अनिर्णय की स्थिति। तो एक सबसे पहले जो होना है वो सुनिश्चित है, उसमें मेरे से कोई फेरफार संभव नहीं है, तो मैं बदला बदली करूं कि नहीं करूं बोलो। तो मैं विचार करना आप गंभीरता से, एक विद्यार्थी है और उसके दिमाग में एक पक्की श्रद्धा है कि मैं पढ़ूंगा मेहनत करूंगा तो पास होऊंगा, और जितनी मेहनत गुड़ डालूंगा उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करूंगा उतने ही अच्छे नंबर आएंगे, एक ही डिसीजन है, तो पूरा मन लगा के पढ़ेगा। ओके, पास होने का कोई एक ही उपाय थोड़ी है, कौन सा? तो पढ़ना बहुत उपाय है। क्या है बहुत उपाय? कि पेपर आउट करना, परीक्षा में नकल मारना, फिर कॉपी जिसके पास गई है उस परीक्षक का पता लगाकर उसको पताना, वहां ना पटे तो चेकिंग में जाकर के इंतजाम करना, टेबुलेशन में जाकर के देखना, समझे ना? नहीं तो सभा जी कह रहे कि नहीं तो छुरा लेके पहुंच जाना। बहुत उपाय हैं। तो जिसको बहुत उपाय दिखते हैं वो दुविधा में ही रहता है और अंत में फैल होता है, क्योंकि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या ना करूं, हर जगह दिशा में कोशिश करता रहता ना। और जिसे एक ही उपाय दिखता है वो मन लगा के पड़ता है। मति व्यवस्थित है कि जितना गुड़ डालूंगा उतना मीठा होगा, ऐसा नहीं होता है मैं गुड़ ज्यादा डालूंगा मीठा हो ही नहीं, मैं पढ़ूं ज्यादा एक पिता ज्यादा हो और नंबर कम आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पक्का विश्वास हो, क्यों जो होना है वो ही होगा, ये पक्का विश्वास हो तो मति व्यवस्थित रहती, अन्यथा हमेशा दुविधा खड़ी रहती है। और दुविधा में तो कभी कोई का पार होता ही नहीं है, दुविधा में तो सब काम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं, पहली बात। और दूसरी, कर्तृत्व का अहंकार गल जाता है, मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया, क्यों? ये जो अहंकार है ये तो पहले से ही नक्की था तूने क्या किया। गीता का बताया था ना, 11वें अध्याय में बता दिया कि 18वें दिन क्या होने वाला है युद्ध में, ये तो सब नक्की है, तू होता कौन है, ये सब उसी दिशा में तो ऑटोमेटिक जा रहा है, तो अहंकार आएगा ही नहीं कि मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया। तो कर्तृत्व का अहंकार गल जाता है। और तीसरा क्या है, सहज ज्ञाता दिष्टापने का पुरुषार्थ जागृत होता है, दूसरे में कुछ करने का पुरुषार्थ खत्म होता है, वो पुरुषार्थ ही नहीं है, वो तो अहंकार है। और सहज ज्ञाता दिष्टापने का पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है कि मैं क्या हूं, जो हो सहज हो रहा है मैं तो उसे सहज ज्ञाता दिष्टा भाव से जान लिया। मैं क्या करता हूं, जैनियों का भगवान करता धरता नहीं है, ज्ञाता दिष्टा ही तो आप जानते होंगे ना, अपने भगवान का क्या सर्वज्ञ और वीतरागी है। वीतरागी माने क्या, सर्वज्ञ माने क्या, तो जाने सबको लेकिन राग द्वेष किसी से भी नहीं करे। राग द्वेष नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि घड़ी भी किसी से राग द्वेष नहीं करती है। तो वीतरागी हो गई तो इसकी पूजा करो, लेकिन बड़ी बात क्या है कि सबको जाने देखे और उस फिर राग द्वेष नहीं करे, बड़ी बात ये है। ये जानती देखती नहीं है इसे राग द्वेष नहीं करती है। बोलो अतुल जी, जो आपकी जो है ना वो तो बिल्कुल से दोस्ती है कि शत्रुता, क्यों कौन है बिलकुंठन, कौन होता है, कौन है, क्यों हम तो जानते ही नहीं। जानते नहीं तो फिर तुम्हारी दोस्ती भी नहीं है और देश भी नहीं है, इसमें क्या दम है, समझ में आया? राग देश तो उनसे ही होता है जिनसे हम जानते हैं, जानते रहते हैं। झगड़ा किससे होता है, सगे भाई से, पड़ोसी से तो ही झगड़ा होता है, क्यों समझी, क्या बात कर रहे, भाई से झगड़ा होता है पड़ोसी से नहीं होता, पड़ोसी से होना चाहिए, भाई से क्यों होना चाहिए। अरे समर कुमार जी, कि पड़ोसी से कह रहे हैं देना है उसका उसका हमारा हमारा है, ये भाई का हमारा सारा हिस्सा है, एक एक चीज में हिस्सा है, माँ हमारी और उसकी एक,
बाप हमारा उसका एक क्यों, मकान हमारा उसका एक, घर की एक एक थाली हमारी उसकी एक। तो जिससे हिस्सेदारी है झगड़ा उससे होगा, जिससे कोई लेना ही देना नहीं है, जिसे हम जानते ही तक नहीं है, उसे करेगा क्या काम, बोला क्यों समझाने में। कहने का मतलब है कि जो हमारे ज्ञान के गे बनते हैं उन्हीं में से तो हम राग देश करते हैं ना। तो जो जो कुछ जानते ही नहीं है तो उसका राग देश नहीं करना भी कुछ महत्व नहीं रखता। जाने सबको और फिर किसी से राग देश नहीं करे तो वीतरागी सर्वज्ञ है, वो भगवान कहलाता है। साहब हमको पता करे तो हम तो गुस्सा आए बिना रहता ही नहीं, तो आप तो हमें बता ही नहीं करे, क्यों चिरंजीला जी ये भी रास्ता है, क्या हमें बता ही नहीं तो हमें कोई गुस्सा नहीं आएगा, ये तो आत्महत्या का रास्ता है। ये रास्ता भी सही रास्ता थोड़ी है, जानना देखना हो और उसमें कर्ता धर्ता का भाव नहीं हो, ये नहीं होगा। भगवान तो ऐसा होता है, एक प्रदर्शनी है ना, नुमाइश है, क्या बोलते आप उसको, और उसको हजारों आदमी देखने के लिए आते हैं, बढ़िया से बढ़िया चित्र लगे हैं, बढ़िया से बढ़िया पत्थर की मूर्तियां हैं, सोने चांदी की जो है ना, बढ़िया बढ़िया चित्राम है, और उन पर ऊपर से कांच की दीवार रखी है, क्यों, एक आदमी नाले से हर एक को हाथ लगाती है, और एक आदमी को दिन में हजार आदमी हाथ लगाए, चित्र की हालत क्या हो, तो मूर्ति की हालत क्या होगी बोलो। तो उसके ऊपर क्या किया हमने, कांच लगाया, जिससे कोई हाथ नहीं लगाए, फिर भी लोग ऐसे हैं कि कांच पे ही हाथ लगाते हैं, क्या अब कांच पे क्या है, वहां तक तो आपका पहुंचा ही नहीं। जैसा बहुत अच्छी मूर्ति देखकर, बहुत अच्छा चित्र देखकर हमको तो छुए बिना चैन नहीं पड़ती है, लगाते नहीं लगाते, और उस पर लिख दिया डोंट टच, इसको छुए मत, क्यों, हजार आदमी कांच को हाथ लगाए तो कांच इतना गंदा हो जाता है तो साफ करते करते परेशान, क्यों, तो लिख दिया कि डोंट टच, कोई इसे छुए नहीं, तो जाकर करते हैं कि डोंट टच, और ऐसा टच करते हैं करते जाते हैं कि छुओ मत, और फिर भी छूके तो एक पुलिस वाला रखा, पहले कांच लगाया तो उस पर नोटिस बोर्ड लगाया तारासिंह जी, और फिर एक पुलिस वाला रखा, कभी कोई छुए नहीं, जरा ध्यान रखना, तब हरे को रखो, छूना नहीं छूना नहीं छूना नहीं छा नहीं छूना नहीं, तो भी हम जाके ठीक है ना, क्या हो गया तुमको, पुलिस वाला कहते भाई साहब 250 रुपये जुर्माना होगा जो छुएगा, तो ऐसा नोटिस बोर्ड लगाया, पुलिस वाला 250 रुपये क्यों, कि हम तो बंद नहीं करेंगे, यदि तुम पे नहीं रहा जाता है तो तुम मत देखो, निकल जाओ यहां से, लगाओगे तो हम तो देखेंगे, तो देखेंगे तो बिना छुए देखनी पड़ेगी, जरा समझना, जैसा हमें तो चैन नहीं पड़ती है कि तुम्हें नहीं पड़ती है, तो फिर हम बताएंगे तुम्हें, डंडे मार के निकालेंगे यहां से, चलो क्यों, तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, 250 रुपये भरना पड़ेंगे, जेल में जाना पड़ेगा और डंडे मार के यहां से निकालेंगे, क्योंकि ये ना तो तुम्हारी बंद होगी और ना तुम्हें छूने का अधिकार दिया जाएगा। और यही बात है कि सारा जगत प्रदर्शनी है और आत्मा की जानने देखने वाला तत्व है। ऐसा आत्मा से गलती क्या हुई हीरा बाबू, एक ही गलती हुई है कि जिस जिसको जानता देखता है उसको टच करना है, इसको भले आदमी को उसे अपना बना है, हमें मालिक नहीं चाहिए, हमको बाप नहीं चाहिए, बेटे चाहिए, बोलो सही आना है, तो वो बनना बिल्कुल करना, बोलो हम लाभ लेने की बातें करते, तो सहज ज्ञाता दुष्टा भाव का पता करता रहता, हे मैं करूं हाँ, उन्हें तो लगा है एज अज्ञानता, हूं करूं एज अज्ञानता, सबका भार जो स्वांता ने, जो अभी क्या हुआ जो आकुलता व्याकुलता होती है ना, वो आकुलता व्याकुलता भी चली जाएगी, अरे तेरा निरंतर आकुलता व्याकुलता बनी ही रहने वाली है, मेरी इतनी भी नहीं चलती है, ये कुर्सी ऐसी टेढ़ी नहीं हो सकती है, काम तो मैं क्या करूं,
तीसरा कुर्सी टेढ़ी कर, ये कुर्सी टेढ़ी करना है तो आत्मा नहीं समझना है। देखो ये हो जाती है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने के साथ साथ अनंत शांति का अनुभव होता है। सर्वज्ञता के निर्णय और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से इतने लाभ तो तत्काल प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात देखो, अब जब वही आत्मा, ये तो लोग क्या हुए, आत्मा के आश्रय से वीतराग परिणति की वृद्धि करा जाता है, तब एक समय वह भी आता है कि जब वह पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता को स्वयं प्राप्त कर लेता है। नरपत के जैसे भी बने सर्वज्ञता का स्वरूप समझने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। सर्वज्ञता का सही स्वरूप ख्याल में आते ही क्रमबद्ध पर्याय स्वयं समझ में आ जाएगी, के लिए अलग से कोई यत्न नहीं करना होगा। पर ध्यान रहे, सर्वज्ञता समझ में आने वाली वस्तु नहीं। सर्वज्ञता की पर्याय के सन्मुख हुई दृष्टि से भी सर्वज्ञता नहीं ली जा सकती, तो भी समझ नहीं आएगी सर्वज्ञता। तो कैसे आएगी? सर्वज्ञभावी आत्मा के आश्रय से सर्वज्ञता समझ में आती है। सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने के लिए आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ अपेक्षित है। क्रमबद्ध पाठ्य पंक्तियां पढ़ के सुनाना चाहता हूं, पेज नंबर 117। यदि आपके पास किताब हो तो आएगा, यदि नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? बलात् हमारे माथे इसे क्यों थोपना चाहते हैं? तो तुम्हें तो कहते हो ना कि जब तक क्रमबद्ध का नहीं आएगी, काल नहीं आएगा, तब तक क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आएगी। तुम तो ये कहते हो, तुम आत्मा कला खराब कर रहे हो, बंद करो ना। क्यों? उत्तर, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, इतने अधीर क्यों हो रहे हैं, आपका यह संबोधन भी ठीक ही है। हम आपके कारण नहीं, ध्यान से सुनना, अपने राग के कारण अधीर हो रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी जगत की चिंता में बस ही अधीर न हो, पर हम क्या करें, हमें यह राग आ ही जाता है, आए बिना रहता नहीं है, और इस भूमिका में यह अनुचित भी नहीं है। वीतरागी भावलिंगी मुनादों को भी स्वीकार कहा गया बिना नहीं रहा था, इधर समय सार कैसे लिखा जाता? तुम कहते हमें क्यों आ रहा है? सही बात है, नहीं आना चाहिए, अकुलता का कारण है, लेकिन आए बिना रहता नहीं है। वीतरागी मुनिराजों को ये राग नहीं आया होता तो इतने शास्त्र नहीं लिखे जाते, अन्यथा परमागमों की रचना कैसे होती? लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह अच्छा है, ये राग अच्छा, ये राग अच्छा तो नहीं है। आखिर है तो राग ही, है तो अधीरता और आकुलता का उत्पादक ही, उत्पादक क्या स्वयं आकुलता स्वरूप ही है। मुराजों के समान हमको भी राग राग इतना नहीं होता कि जिस तक तुम हमसे कहते हो कि तुम्हें छोड़ दो, हम भी कहते हैं छोड़ने लायक है, छोड़ दें तो बहुत बढ़िया साफ है, बिना रहता नहीं है, कभी सत्य है, और नहीं आया होता तो हमारा देश आप गुलाम ही रहता। एक कल जो 15 अगस्त आ रहा है ना, वो हमें दिन देखने को नहीं मिलता। क्यों? यदि हमारे वीतरागी को काया ऐसे हमारे आचार्य भगवंतों ने, और जिन्हें ये चीज प्राप्त हुई वो इतनी कीमत चुका करके भी ये काम करते हैं, क्यों? क्योंकि आगामी 80 वर्ष का बुढ़ा के काम का पेड़ लगाता है बालकनी, तो उसके आम खुद खाने की भावना से नहीं लगाता है, और खुद खाने को तो बाजार में मिलते हैं ना अभी, क्यों? तो खरीद के खा ले ना, कि मेरे पोते खाएंगे तो भी मुझे संतोष है, इसलिए लगाता है, और उनके उस राग के कारण ये देश हरा भरा है। तो हमें क्या करना, हम तो मर ही जाएंगे, अब हम क्यों पेड़ लगाएं? क्यों? तो हम तो आत्मा समझ ही गए, हम तो अंदर में चले जाएं, हम क्यों लिखें? लेकिन गजब की बात तो ये है कि जिनके कल्याण के लिए वो इतनी राग की आग में जले, वे कह रहे हैं कि तुम काय को जल रहे
आपकी गठरी माथे पर बांधी और लग जाने की तैयारी खुद करी, और वो सारी संपत्ति जिनके लिए छोड़ के जा रहे, दो ही कह रहे कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी, तुमने काय को एक जोड़ी तो कैसा लगेगा, तुम तो अपने साथ ही ले जाओ माली, फिर कैसा लगेगा। काय को जोड़ी तुमने, तो बेटा तुम्हारे लिए नहीं जोड़ी, तो क्यों जाएगी, तो वो हमारे अंदर में राख की भट्टी जल रही थी ना, उसके हम तुरंत में तुम्हारा को दिए जाते हैं, तुम अपने करना जो कुछ करना, क्यों आचार्य भैया हम जाएंगे आप करेंगे, तुम हमको क्यों कह रहे थे तुमने क्यों किया, सच्ची बात में तुम्हारे अपनी राख के कारण किया, हम भी अपने राख के कारण कहते हैं, तो तुम्हारा काल नहीं पका है तो तुम मत समझो, जिनका पका होगा वे समझेंगे। देखो आपकी भावना तो ठीक है, कोई ना माने आपकी बात तो आप क्या करेंगे, बोला क्या करेंगे, हम नहीं माने कि मत बनाएगी बात तो आप क्या कर लेंगे, क्यों हम पर में कभी कह सकते हैं, यदि फिर भी कहते हैं जिनकी भली हानहार होती है वे सुनते हैं समझते हैं स्वीकार करते हैं, सुखी भी होते हैं शांत भी होते हैं, और जो लोग नहीं सुनते पढ़ते नहीं विचारते नहीं सुखा नहीं सुखी ऐसी है, ऐसा जानकर हम भी संतोष धारण करते, यही रास्ता तो बताया है हमारे सिद्धास्पद महापंडित टोडरमल जी ने उन्हीं के शब्दों में, पर इन्हें पढ़कर मैं आज का व्याख्यान समाप्त करूंगा। टोडरमल जी के शब्द है मोक्ष मार्ग प्रकाश सकना, पेज नंबर 20 पर पहले अध्याय के अंत में, जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंता से कोड़ी को अमृतपान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह आस न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे हो नहीं सकती, उसकी होनहार का ही विचार करने पर अपने को समता आती है। क्या कह रहे बताते हैं, इस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र से चिंता मणि की प्राप्ति हो, इसका अर्थ क्या है, बड़ा दरिद्री, दरिद्री भी बड़ा छोटा नहीं, तो बड़े दरिद्री को जिसको इतना दरिद्री है कि एक में आप ऐसा है और ऐसा रत्न की प्राप्ति के जो सोचे चक्रवर्ती का पत्र एक सेकंड में हाजिर, ऐसे रत्न की प्राप्ति तो किसको और क्या, समझे ना, और पुरुषार्थ क्या करना पड़े बोलो, अवलोकन मात्र, अवलोकन मात्र माने क्या, देना नहीं है, पता हमने तैयार है, अवलोकन मात्र समझ ना, कितना प्रसार करना है, अवलोकन मात्र, तो चिंता मणि की प्राप्ति हो तेरी गरिबता खत्म हो जाए, अरे कहे भैया ये तो मेरे से नहीं हो सकता है, आंख का खोलना कोई आसान थोड़ी है, बोलो टोडरमल जी कहते हैं, तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं हो सकती, क्या अब कितना बड़ा अभागा है और इसकी बात हम नहीं कह सकते, आपको क्या बताएं, क्या जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र से चिंतामणि की प्राप्ति हो और वो अवलोकन ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती, एक बात, और दूसरा उदाहरण, दूसरा क्या है, कि कोड़ी को कोई अमृत पान कराए, सारा शरीर में कोर कोर है और हमारे पास ऐसी दवा है अमृत कि एक घूट पिए तो सारा कोर समाप्त हो जाए, और दवा का कोई नो चार्ज फ्री में, और कहीं लेने नहीं जाना है, लाइन में नहीं लगना है, आदमी लाकर तेरे मुंह के पास रखा तो पी ले, मुंह ना खोले, तेरी को कोई अमृत पान कराए, यानी खुद करने को नहीं कहे, हाथ में लगाना है, हम तेरे मुंह में डाल देते हैं सीधा, और वो ना करे तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे हो सकती, अरे क्या तुम काय को आ गए, हमारे तो हिंदू ने हमें हो जाएगा, तुम काय को अमृत पान कराने आ गए, हमें हमें नहीं करना है, तो यहां से क्या करें,
बोलो। पेरोने जी कहते हैं कि ऐसे ही किसी जिसने आज तक तत्व की बात नहीं सुनी है, जिसने आज तक रमत का नाम नहीं सुना है, उसको उसके घर में बिना कोई चार्ज के लॉजिंग और बोर्डिंग फ्री, बस की व्यवस्था भी फ्री, पढ़ने वाली किताब भी फ्री, और फिर भी वो ना सुन ले ना सुने और कहेगा क्यों अपना गला खोल रहे, क्यों अपना माथा खराब कर रहे, हमारी किरमत अगर होने हुए तो हो आई किरमत की सीधा, तुम क्यों माथा खराब कर रहे हो। तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे हो सकती नहीं। तो वो तो पूछे तो तुम क्या करोगे नहीं मानो तो कहते हैं कि उसकी क्रमबद्ध में ऐसा ही है, उसकी ऐसी ही होनहार है, ऐसा विचार करके क्षमता धारण करेंगे। क्षमता आती है, दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो दुख कैसे दूर होगा, क्योंकि इसका अभी अच्छा काल नहीं आया है, अभी उसे नरक निरोध में ही जाना है, अनंत आकुलता में ही मरना है। ऐसा सोच के तुम क्या करोगे कोई नहीं माने तो ऐसा सोच के संतोष धारण करेंगे। उदम जी का रास्ता उदम जी ने लिखा घोषणा प्रकाशन में प्रश्न नंबर 20 पर देंगे ना। श्रीला जी इतनी सहजता से वो चीज जो अनंत प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं होती, और जिनको आज प्राप्त नहीं हो रही है वो नहीं हो रहे, वे अनंत प्रयत्न करें तो उन्हें उपलब्ध हो जाएगी क्या, बोलो किसे प्राप्त नहीं हो रही है। अमेरिका की राष्ट्रपति को नहीं हो रही है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं हो रही है, क्यों हो रही है तो नहीं हो रही है, क्योंकि साधारण बात है। व्यक्ति फेरे की बात कर रहा हूं मैं, अरे जिसको उपलब्ध है उसको उपलब्ध है, और जिसको नहीं है उसको नहीं है, बोलो क्या करवा। क्यों नहीं देखा बोलो, यहां इसी स्मारक में 30 वर्ष से धारा बह रही है और आपको मालूम है, और आपको 30 वर्ष से नहीं हो रही थी आज हो रही है, क्या करें। कौन कौन ने के लिए क्या, कौन ने रोका था, कल तक किसने रोका था, तो आज कौन बुलाने गया था, मैं आपसे पूछता हूं। चलो तो बड़े डॉक्टर सेठी बड़े डॉक्टर हैं, एमडी, बड़ा बड़ा दवा खाना है, वही मरीज लाइन लगा के खड़े रहते हैं, और मरीज खड़े होंगे तो खड़े होंगे, अभी यहां ये बैठे 29 साल से भी चल रही थी, ये सब पता था, ये सब पता, बोलो क्या भाई आपको भी पता है, छोटी नहीं खींचनी होती तो आते नहीं भी आते सर। अभी अभी कौन सा सुन रहे हैं, बस फोटो खींच रहे हैं, बाकी एक घंटा निकाल रहे हैं, नहीं है राज्य में जिस गेटे नहीं है तो सरकारी जी बोलो, यहां 2.5 लाख लोग रहते हैं गेणियों में, यानी अभी तो 25 लाख लोग रहते हैं, सबके भाग्य में है जिसके में है उसे भी कनम कैलाश, जिसके में है उसे मिलेगी, जिसके नहीं है नहीं मिलेगी। तो क्यों आप कर, अरे भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ जीवों के काल में कान में ये बात पढ़ने का काल पक गया है, इसलिए हमें चैन नहीं पड़ रही है। तुम कहे तुम्हें क्यों चैन नहीं पड़ी, तुम सत्ता क्यों नहीं होते हो, क्यों क्यों नहीं होते, क्योंकि किसी को ऐसे पाने का काल है, इसलिए जैसे बोलते थे तो इतना क्यों जीव तीव्रता से भाव क्यों आ रहा, क्योंकि कोई ना कोई जीवों को तैयार होने का काल पका है, तब जाके ऐसा भाव हुआ। जो कहीं दादी मुनि जाएगा ना कहा चले देख देख रहे देखो पीछे ये आकाश से उतर के आज से समझा रहे, क्यों क्या समझा रहे शांतिलाल जी, क्योंकि उनका काल पका है, कोई ना कोई जीवों का काल पका है। शंभु कुमार जी कह रहे थे ना, शंभु कुमार जी 30 साल का परिचय है, कहा शंभु कुमार जी 30 साल से 30 बजे क्रमत पर आज बात करी होगी, हमारे भाई साहब ने सुनी सुनी नहीं सुनी, अर्जुन लाल जी आगे भाई थे ना, और सबने सुनी, तुमने क्यों नहीं सुनी, जैसा मंत्री बने तब सुनिए क्या, ये तो जिसकी काल लगनी आएगी तब सुनेगी,
तुझे समझ में जाएगी ना उसका कालर भी पकड़ के खाई है ना, तो हमारे हाथ में क्या है? तो तुम क्यों कहते हो कि पांच फैक्टर में एक फैक्टर निमित्त भी है, और वो निमित्त हमेशा विद्यमान रहना चाहिए। कोई पढ़े पाए नहीं पढ़े, स्कूल खुला रहना चाहिए। यदि किसी के पढ़ने का भाव आए तो पढ़ तो सके। अस्पताल में मेरी राय कोई जरूरी थोड़ी है कि अस्पताल खुला रहना चाहिए। कभी घंटे अस्पताल खुले रहते हैं कहीं ना कहीं, कई घंटे की दवाएं बिकने की दवाएं, कई घंटे ग्राहक आते रहते हैं क्या? हो सकता है रात में 12 बजे से 5 बजे तक एक ही ग्राहक आए, किसी दिन नहीं ही आए, तो दुकान खुली रहना चाहिए कि नहीं? तो किसी को जरूरत पड़े 2 बजे रात को कोई दवाई की तो उसे उपलब्ध रहनी चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि रोजाना 25 ग्राहक आए रात को। लोग बीमार पड़े आप चाहते नहीं पड़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था रहनी चाहिए। तो जिसका काल पके उसको देशना लब्धि का अवसर प्राप्त रहना चाहिए। ये प्रकृति ने व्यवस्था की है कि ज्ञानियों के हृदय में इतना सुहाग अथवा करुणा डाल दी कि लोग मना करते रहेंगे कि तुम क्यों गला खराब करते हो, फिर भी वे गला खराब करते रहेंगे, करते रहेंगे और करते रहेंगे, फिर किन्हीं में किन्हीं जीवों को उसे समझने का काल तका रहता है।